एक कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, तो उनके बारे में दो बातें जान लीजिए, फिर इनकी लिखी हुई कविता के बारे में आज हम लोग पाठ करेंगे। गोपाल सिंह नेपाली जो हैं वो उनका जन्म 1913 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1963 में हुई थी। ये तो उनकी जन्म और मृत्यु की बात है। और देखिए चंपारण बिहार में, बिहार में एक जगह है चंपारण में गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हुआ था। उन्हें प्रकृति से बहुत, प्रकृति जानते हैं ये जो पेड़ पौधे नदियां झरने पहाड़ ये सब प्रकृति कहलाती है, इनसे उनका बड़ा प्रेम था। इनकी जितनी भी रचनाएं हुई, जो भी इन्होंने लिखा, इनकी रचनाओं में प्रकृति के बारे में ज्यादा लिखा। कोई बात इन्होंने जब भी जो कविताएं लिखी हैं उनमें सब में प्रकृति का चित्रण किया गया है। जैसे कुछ हैं इनकी रचनाएं, उमंग, पंछी, नीलिमा, सावन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये हैं, उन्हीं में से एक कविता और है इन्होंने जो लिखा है, जो कोर्स में भी समाहित है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। अब हम हमारा जब ये सुनोगे तो आपको याद आ जाएगी। नेपाली के बारे में तो कम सुना होगा, ना याद होगा हो सकता है, लेकिन कविता जरूर आपको याद आ जाएगी। तो मेरे साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं ये भी दोहराए पढ़े उसको, हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट पढ़ना है, जो हम कहें वही कहना है ना। पाठ का नाम है सरिता। सरिता मीन्स होता है नदी, है ना, जो रिवर है, जो नदी है उसको सरिता भी कहते हैं। तो लीजिए सभी लोग मेरे साथ कहेंगे, यह लघु सरिता का बहता जल। ध्यान से बहुत स्पष्ट सब शब्दों को कहिए, क्योंकि हमें उच्चारण भी सही सही करना है। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरि के हिम से निकल निकल, हिमगिरि के हिम से निकल निकल। फिर देखिए ध्यान से, हिमगिरि, देखिए अभी कहना नहीं, जब हम पूरा कहें पूरी बात सुनिए ध्यान से, हिमगिरि के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, यह विमल दूध सा हिम का जल। यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, कर कर निनाद कल कल छल छल। फिर सुनिए ध्यान से, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का बिहुवल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, गिर 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 की चट्टानों पर, मतलब गिर गिर गिरना, गिरना ना, पहाड़ों से निकलता है पानी तो चट्टानों पर गिरता है पानी, तो वही कहा गया गिर गिर, गिर माने होता है पहाड़, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर कहो दिन भर रजनी भर जीवन भर। नदी जब चलती है ना तो दिन भर चलती ही तो रहती है, पूरा रात भर दिन भर पूरी जिंदगी भर पानी चलता रहता है, वही है दिन भर रजनी भर जीवन भर। कहो, धोता वसुधा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम, हिम माने होता है बर्फ, बर्फ का गोला होता है ना, बर्फ कहीं रखी जाए तो पिघलती है।
हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी धुमल, बन गए धरा का वारी विमल, बन गए धरा का वारी विमल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, कहो पी पी कर, कहो पी पी कर अंजलि भर, अंजलि भर मृदु जल, मृदु जल पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, बहुत ठंडा रहता है, धूप में भी चलता रहता है, लेकिन नदी का पानी जब हम हाथ से छूते हैं पीने के लिए, मीठा पानी होता है तो बहुत ठंडा रहता है। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतस्तल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, 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 अविरल माने लगातार, युग युगों तक, बहुत दिनों से नदी बनी है ना, वो लगातार पानी बहता ही तो रहता है, कभी रुकता थोड़ी ना है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, हाँ यह लघु सरिता का बहता जल, लघु सरिता का बहता जल। हाँ तो देखिए बच्चों ने मेरे साथ इस कविता का पाठ किया, पढ़ा, तो देखिए जब बच्चे सुनते हैं तब भी उनकी भाषा में कहीं ना कहीं कुछ शब्द छूट जाते थे या बीच का एक शब्द छूट गया, तो ये सुन करके, पूरी लाइन को सुन करके बोलने की आदत भी बच्चों में होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये हिंदी का एक दिन के लिए रखा कि एक दिन हिंदी का पाठ जरूर होना चाहिए। पहले बच्चों में पढ़ना आसान लगता था, रामायण होती थी, महाभारत या जो भी रामचरितमानस का अखंड पाठ होता था, 24 घंटे चलती थी, तो गांव के बच्चे जा करके पढ़ते थे, धीरे धीरे बोलना सीख जाते थे। अब उनको पढ़ने और बोलने का वक्त कहां मिलता है, अब क्लासों में पढ़ाया नहीं जाता, होमवर्क दिया जाता है, कर लें घर में, उनको पढ़ाता कौन है कि हम कहें फिर वो कहे, हम कहें फिर वो कहे। अगर ऐसा देखते भी जाएं क्या वो कह रहा है जो हम कह रहे हैं वही कह रहा है कि नहीं, तो धीरे धीरे करके बच्चे को याद भी रखना आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स की छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूँ जो निश्चित रूप से आपके काम जरूर आएंगी। धन्यवाद।